Hi guys, welcome to New India Junction. This is Priyanka Deo. We have a very, very special episode and two very special guests today. First up, we have Dr. Agnishekhar, who is a poet, a writer, a thinker, and the convener of Panoon Kashmir. Welcome to the show. Thank you. Thank you for being here. We also have Dr. Kshama Kaul, who is also a writer, a poet, a thinker, and a cultural activist. Namaste. Welcome to the show. Thank you so much for being here and giving your time. Now, the first things that I wanted to ask you, Dr. Agnishekhar, you can start. Tell me a little bit about your work and tell me a little bit about your role in Article 370 has been. मैं अपने को एक कवि, साहित्यकार और कार्यकर्ता के नाते समझता हूँ जो विस्थापन में है, जलावतनी में है. A poet, writer and activist in exile. With exile consciousness on my mind, in my blood, in my veins. तो ऐसे व्यक्ति से आप पूछ रहे हैं कि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करिए, तो मैंने आपको सर्टन लेवल पे कहा. एक लिटरेरी फिगर के नाते मैं आपसे कह सकता हूँ कि आई हैव ऑथर्ड नियरली 13 बुक्स. मेरी 5-6 पोइट्री कलेक्शंस हैं और मुझे अपने मुंह से अच्छा नहीं लगता, एक्लेम्ड बुक्स हैं. मेरा फिक्शन पे है काम. मोस्टली मेरा काम है सोशियोलॉजी ऑफ कश्मीरी फोकलोर, सम वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ दैट. आई अलाउ माय हिस्ट्री, माय पीपल, माय एंसेस्ट्री, माय कल्चर, माय सिविलाइजेशनल बैकग्राउंड, उसमें मैंने काम किया है. दैट्स माय फोर्टे. करंटली मैं एथनोग्राफी पे काम कर रहा हूँ. लाइक जो हमारे अर्लियर माइग्रेशंस होती रही हैं, और आपकी जानकारी और आपके जरिए ये बताऊंगा कि कश्मीरी पंडितों का ये 7th बिगेस्ट माइग्रेशन है हिस्ट्री में, एक्सोडस है. और इसके चलते कहाँ कहाँ लोग गए हैं, कहाँ कहाँ बसे हैं, कहाँ कहाँ से वापस आए हैं, इस पर कोई काम उतना नहीं है. तो मैं अब हिमाचल को लेकर के एथनोग्राफी पे काम कर रहा हूँ. और कश्मीर, आई फाउंड आउट देर आर कश्मीरी पंडित्स ऑफ 400 ईयर ओल्ड कश्मीरी पंडित्स, जो औरंगजेब के ज़माने में निकले, उससे पहले भी निकले. Oh, wow. Okay. और उनके पास खाली एक मेमोरी है, उनका सरनेम है, जिसे वो कनेक्ट करते हैं कि देयर रूट्स. और भी कई चीज़ें हैं, ये मेरा इंटरेस्ट का विषय है. मैं काम कर रहा हूँ राइटर्स इन एग्जाइल, पोइट्स इन एग्जाइल, आर्टिस्ट इन एग्जाइल, जो वो एग्जाइल को लेकर के कैसे कैसे सोचते हैं. इस पे काम नहीं है इंडिया में, एग्जाइल पे काम नहीं है, एग्जोडस पे काम नहीं है. अनफॉर्चुनेटली व्हेन इंडिया वाज डिवाइडेड इनटू 3, ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान एंड रेस्ट ऑफ इंडिया, रिपोर्टेडली कहते हैं कि 10-20 लाख लोग मारे गए यहाँ. मैं लोग कह रहा हूँ, और करोड़ों लोग यहाँ से वहाँ चले गए, वहाँ से यहाँ चले गए. इतनी तबाही हुई, डेथ, डिस्ट्रक्शन. Do you have any significant work on it? How many films you have on exodus? How many researches? How many papers? How many books? How many paintings? How many works? You don't have any. तो उसका कोई reason होगा ना? वो आपको सोचने की ज़रूरत है. वो पूरे इंडिया को देखनी चाहिए. मैं पास्ट में नहीं जाऊँगा, 1000 साल की हिस्ट्री में कितने जीनोसाइड्स हुए हैं, लेकिन करंटली हमारे सामने 47 से आज तक कितने कितने जीनोसाइड हुए हैं इस कंट्री में. There's a silence, criminal. इसी तरह जो मैं देखता हूँ इन एग्जाइल, मैंने कहा कि आई एम इन एग्जाइल पोस्ट 90, वो क्या हुआ क्या नहीं हुआ दुनिया जानती है, उस पर बात करनी होगी तो मैं बोलूँगा. लेकिन मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ कि आफ्टर पार्टीशन ऑफ इंडिया, विच टुक प्लेस ऑन द बेसिस ऑफ फेथ, टू नेशन थियरी वॉज द बेसिस, उसको लेकर के जब पार्टीशन हुआ, इतना नरसंहार हुआ, नर नहीं कहना चाहिए, जानी उसे कहते हैं, नारियों का नहीं हुआ, जाति संहार हुआ, जीनोसाइड हुआ, इस पे बहुत बड़ी क्रिमिनल साइलेंस रही कंट्री में. नोबडी ओपन्ड अप, नोबडी स्पोक अगेंस्ट इट, नोबडी स्टूड विद अस. ऐसा क्यों हो गया, एक खामोशी क्यों रही, और किस सर्कल में रही? इंटेलेक्चुअल सर्कल में रही, लिटरेरी सर्कल्स में रही, ह्यूमन राइट्स बॉडीज और एक्टिविस्ट इनमें चुप्पी रही, चुपी ही नहीं रही, डिस्टॉर्शंस हुए, मिसरिप्रेजेंटेशंस रही, मिसइंटरप्रिटेशंस हुई. जो विक्टिम है उसी को ये कहा गया कि यही दोषी हैं. तो ये क्यों हुआ, किन्होंने किया, क्या इसके पीछे क्या मानसिकता है? एक, आप 90 के बाद तुरंत आइए इस पे, उससे पहले जाइए,
जो सिखों के साथ जेनोसाइड हुआ 84 में, डोंट यू थिंक उस पर भी एक साइलेंस है कंट्री में, लिटरेरी सर्कल में साइलेंस है सिखों के जेनोसाइड पर. वो कहते हैं कि 5 to 7,000 Sikhs were mercilessly killed in Delhi and elsewhere. There is silence on Sikh Narsingar. If 84 है, फिर हमारा 90 आया. इसी तरह अगर आप इसको देखते देखते आएंगे, 90 से पहले हमारे यहाँ 86 में एक ट्रायल हुआ, अनंतनाग राइट्स बोलते हैं उनको. सिलेक्टिवली कश्मीरी पंडित्स वेर सिलेक्टिवली अटैक्ड, मर्सीलेसली बीटन. टेम्पल्स, जितने भी आपके रिलीजियस प्लेसेस हैं, सारे ख़त्म कर दिए गए. इट वॉज इन 86. नोबडी स्पोक अगेंस्ट इट इन इंडिया. ये 47 में जो हुआ उस पर एक साइलेंस है कंट्री में. मैं हिंदी से हूँ, कोई कह सकता है, मैं खुद से पूछता हूँ. हिंदी में अगर नाम लेवा 2-4-5 उपन्यास हैं थी मुश्किल से, और उन पर भी हमारा कमेंट अलग हो सकता है. वो कैसे हैं, क्या हैं, वो अलग है. यह हो यशपाल, यह हो भीष्म साहनी, यह हो मोहन राकेश, और तीसरा चौथा आपको सोच के बोलना पड़ता है. उपेंद्रनाथ अश्क हुआ, फिर अमृता प्रीतम, ये सोच के बताना पड़ता है आपको. इसके आगे आपके पास कुछ नहीं है. तो ये जो बहुत बड़ी साइलेंस है, पॉलिटिक्स ऑफ दिस साइलेंस, एंड ये जो क्रिमिनल पॉलिटिक्स है, हम उसके शिकार हैं. अग्निशेखर एक कवि के नाते, मेरी कम्युनिटी एक पीस लविंग कम्युनिटी, प्रोग्रेसिव कम्युनिटी, और जो जानी जाती थी अपने कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए, हिस्टोरिकली टेलिंग यू, आई एम द जो इनहेरिटर, जो मैंने इनहेरिट किया है, जिसे हम प्राउडली कहते हैं कि ओवर 5,000 ईयर्स ऑफ हमारी हिस्ट्री है पीछे. और उस हिस्ट्री में क्या है, हिस्ट्रियाँ सबकी होती हैं. वी आर कॉन्ट्रीब्यूटेड इन द मेकिंग एंड शेपिंग द फेट एंड फ्यूचर ऑफ दिस सिविलाइजेशनल इंडिया. यू हो, डू यू नो हाउ मेनी स्कूल्स ऑफ एस्थेटिक्स आर देयर इन इंडिया? नो, यू डोंट नो. देर आर 6 स्कूल्स ऑफ इंडियन एस्थेटिक्स, पोइटिक्स, और जिनको आप इंडियन पोइटिक्स कहते हो, जैसे ओरिएंटल पोइटिक्स है. अभी मैं ओरिएंटल वाले का नाम पूछो, अभी कहेंगे आप एडवर्ड सैयद, ये तो जानती हैं आप बिकॉज इट इज इन इंग्लिश ओरिएंट. लेकिन आपका अपना जो यहाँ है, आप नहीं जानते हैं कि 6 स्कूल्स हैं जिनको हम भारतीय काव्य शास्त्र कहते हैं, अलंकार, ध्वनि, औचित्य वगैरह वगैरह वगैरह, ये सब के सब कश्मीर से. और इसलिए मैं ये कंक्लूड, आई इनवाइट योर पॉइंट क्वेश्चन क्वेरी. तो जिस कश्मीर के आचार्यों ने काव्य शास्त्र दिया इस देश को, शैव दर्शन दिया इस देश को, इतिहास की चेतना दी, इतिहास ग्रंथ दिए इस देश को, जबकि कहा जाता है इंडियंस हैव नो सेंस ऑफ हिस्ट्री. तो जो कन्वेंशनल सेंस में हिस्ट्री होती है, वो कश्मीर ने दिया आपको. कलहन से लेकर के पीढ़ियाँ हैं, मैं उस पर नहीं जाऊँगा. सो जिस कश्मीर ने आपको सभ्यतागत सिविलाइजेशनल इंडिया को, एंड कश्मीर वॉज नोन इन द हिस्ट्री एज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट फाउंटेन हेड्स ऑफ इंडियन कल्चर फ्रॉम टाइम्स मेमोरियल. ऐसी इनहेरिटेंस वाली कम्युनिटी को, पीस लविंग कम्युनिटी को, माई फोर फादर्स वर बुद्धिस्ट monks, spread Buddhism in Central Asia and some part of China, Tibet, and via Tibet to South Asia. They were Kashmiri Pandit, mostly they were Kashmiri Pandit monks. So, aisi community ko all of a sudden 89-90 mein kick out kiya jata hai. To koi reason to hoga na, reason yahi hai. You are considered to be the representatives of India. India, civilizational India, cultural India, historical India, political India. तो इसलिए जो सारी movement वहाँ थी वो तो anti India थी. वो anti India ही नहीं थी, वो एक जिहाद था. And unfortunately, दुर्भाग्य से इस जिहाद को क्या कहा गया, militancy. बहुत mild शब्द में कहा गया. और हमको कहा गया, जो victims of genocide हैं, हमको कहा कि माइग्रेंट है, एज वी वर माइग्रेटरी बर्ड्स. अपनी मर्जी से उड़े बैठे यहाँ, आप उड़ के जाएंगे साइबेरियन बर्ड्स.
That was not the case. Aur hamari vapsi ke sangarsh ko kaha gaya return and rehabilitation. All the three constructs, all the three terms are baseless bunkum and politically motivated to appease apparently the perpetrators of genocide. That's the Muslim secessionists. जिन्होंने जिहाद चलाया, उस जिहाद का एजेंडा क्या था? यहाँ क्या चलेगा? निजाम-ए-मुस्तफा इस्लामिक रूल, ए काफिरों, ए ज़ालिमों, कश्मीर हमारा छोड़ दो. Let me interrupt you for one second. Now, maybe Dr. Kaul, you can answer this question. I'll leave it up to either one of you. But some of the injustices, just for the audience to know, what were वो क्या थे? Have you witnessed what were the worst injustices that happened? What were some of the things that you witnessed? मतलब तहें हैं इसकी जो हम पर नाइंसाफी हुई उसकी कितनी तहें बताएं हम. ये जिहाद ही नहीं था. जिहाद चाहता दिल्ली का राज्य कुचल सकता था उसी समय. तो मुझे लगता है कि जो दिल्ली का राज्य था उसने हमारे साथ बहुत ज़्यादा बेइंसाफी की और हमारे साथ बेइंसाफी करके वो कहीं ना कहीं शामिल था जिहाद के साथ. कश्मीर की सरकार तो छोड़िए, कश्मीर जम्मू कश्मीर का राज्य तो छोड़िए, वो तो जिहादियों के ही हाथ में था. लेकिन मैं सीधे सीधे तौर पर अब जो बातें हो रही है, जैसे 370 हट गया, अब ज़्यादा ज़्यादा बातें खुल रही है कि किस तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिहाद चलाना चाहती थी, चलवाना चाहती थी. नहीं तो जब हम निकले तो हमें ये आशा थी कि एक महीने में हमें वापस ले जाया जाएगा. उस समय बहुत आसान था, उस समय हमारे घर भी वहाँ खड़े थे. लेकिन ऐसी साइकोलॉजिकल वातावरण ऐसा बनाया गया कि जहादियों को पैम्पर किया गया. मुझे एक विक्टिम में बताया है, उसने अपनी स्टोरी डॉक्टर साहब को बताई, उसने एक अजीब सा वाक्य उसमें दैट स्पीक्स वॉल्यूम्स, जो मराठा रमेश मराठा, क्या स्टोरी, उसने कहा कि मुझे जब आतंकवादियों ने पकड़ा तो उस सारे क्रम में मुझे ये पता चला कि आतंकवादियों से राज्य के ज़रिए आर्मी ने कहा कि आप अपना काम करो, हम अपना काम करेंगे. दिस इज़ ऑन रिकॉर्ड. ये कितनी बड़ी बात बोल रहा है आपको, यानी वी आर नॉट गोइंग टू स्टॉप यू, बट जहाँ भी कहीं हमें कॉस्मेटिक्स के लिए हम आपको मारेंगे. व्हाट डज दिस मीन? अरे कुचलो, जैसे आज कहते हैं इनका समूल नाश करो. ये सारी इतनी बात हुई ही नहीं होती. तो इसका मतलब है इस सारे के बीच में, इसके सारे बीच में कहीं जो कांग्रेस है या कांग्रेस से मिलती जुलती फिलॉसफी वाले, आइडियोलॉजी वाले जितनी भी पार्टियां थी, जितनी भी लोग थे, जो भी माइंडसेट था, उसमें लेफ्ट इंटेलेक्चुअल्स भी आते हैं, उसमें सारे जो आपके नक्सली सब कुछ आता है, वो सब एकजुट थे भारत को खंडित करने में. और आश्चर्य यही है सबसे ज़्यादा, आपको मैं सच बताऊं, मुझे जिहादियों पर इतना गुस्सा नहीं है जितना मुझे भारत के राज्य पर है, जितना मुझे भारत के सारे सिस्टम पर है. उस सिस्टम में क्या बात है कहाँ कि उन्होंने, देखिए सिस्टम का एक डर होता है. एग्जोडस शुरू हुआ हमारा तो रेप्स के साथ हुआ, मतलब स्त्रियों का रेप हुआ. और गिरजा रहना एक ऐसी औरत है जिसको गैंग रेप किया गया और उसको दो टुकड़े आरे में चीरा गया. अब आईएस से इससे क्या ज़्यादा करेगी? लोगों को चॉप किया गया, औरतों को. सरला भट्ट ने अपना, वो नर्स थी उसमें शेर कश्मीर मेडिकल इंस्टीट्यूट में, तो वहाँ पर उसने अपना ब्लड डोनेट किया एक आतंकवादी के लिए और उसके बाद भी उसको मार के आंगन में फेंका गया, उसी अस्पताल के आंगन में. और कहीं कोई सिस्टम ही नहीं था, कहीं कोई कुछ ये नहीं था. कितने लोग मारे, 1200 लोगों की संख्या है. अभी जो बिटा कराटे को अब कहते हैं, मैंने सुना कि शायद उसको अब अरेस्ट किया गया. वो बड़े गर्व से बोल रहा था कि मेरी गिनती अब छूट गई है, मैंने कितने कश्मीरी पंडितों को मारा है. तो ये गिनाना, अब तो ये गिनाया बहुत जा रहा है कि क्या क्या, ये तो अनगिन हमारी जो है, हमारी इनजस्टिस, हमारे साथ जो भयंकर जो वाशविक व्यवहार हुए हैं,
वो तो उसकी क्या संख्या बताऊं, लेकिन ये क्या बात ये है कि ये बात खोज होनी चाहिए, इसमें एक इंक्वायरी होनी चाहिए। जो संविधान 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 करके जाग आती है लोगों के मुंह में, खासकर जो सेक्युलरिस्ट्स है, वो संविधान हमें कहाँ बचा पाया? फिर वो संविधान कैसा है? क्या उस पर क्वेश्चन मार्क नहीं है? जो सेक्युलरिज्म 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 सेक्युलरिज्म, और कश्मीर को तो मिसाल बोलते थे, कितना झूठ इस देश में, कितना झूठ बोला जा रहा था और झूठ ही सिरे पे चढ़ रहा था मीडिया में, किताबों में। अभी डॉक्टर साहब कर रहे थे बात पार्टीशन की, और इन्होंने कहा कि हमारे उसके लिए कमेंट्स, यशपाल ने किताब लिखी उस पर, झूठा सच लिखा या तमस लिखा गया, लेकिन या आपकी अमृता प्रीतम ने कुछ लिखा। मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि वो पीस सेक्युलरिज्म के दृष्टिकोण से लिखा गया, उस पर एक थ्रस्टेड एक स्टैंड पॉइंट था कि इसे, क्योंकि यशपाल तो बोलता है कि अब ऐसा हुआ हिंदुओं के साथ ऐसा हुआ, लेकिन फिर भी वो ऐसी एक लव जहाद का किस्सा उसको परवान चढ़ाता है। व्हाट डज दैट मीन? सो डियर, नथिंग वाज रिटन, जो वो सारा था वो ऐसे दब गया, उसे उभारने की ज़रूरत है। और मैं बहुत खुश हूँ कि हमारी नई पीढ़ी अब भगवान ने ऐसी भेजी है जो इन सारे प्रश्नों में घुस रही है, इन प्रश्नों की खोज कर रही है, ये प्रश्न कर रही है कि ऐसा क्यों हुआ, और यही इन्हीं प्रश्नों में हम भी ख़त्म हो गए, हमें भी मारा गया इसी नैरेटिव में कि हम हिंदू थे इसलिए हम नेचुरली कल्प्रिट्स थे, हम दोषी थे। हिंदू होना इस देश में पाप हो गया, हिंदू होना इस देश में द्वयम दर्जे का इंसान होना हुआ। ये तो आप देख लीजिए ना, ये दीज आर द नैरेटिव्स। सेक्युलर है हिंदू जो है वो नेचुरली सेक्युलर है ही नहीं, वो क्रिमिनल है नेचुरली, और मुसलमान जो है वो नेचुरली सेक्युलर है, वो क्रिमिनल है। इस तरह के जो सेटिंग्स हुई है इनको उखाड़ना ज़रूरी है, और यहीं पे नाइंसाफियाँ जो यहीं से हमारी नाइंसाफियों के कारण आ गए, और हमने जो अब लिटरेचर लिखा, हमने उन प्रश्नों को उखाड़ उखाड़ कर लिखा, हमने ये चिंता नहीं की कि हमें हमारा बायकॉट किया गया, हमें डंप किया गया। मेरी पुस्तक ज्ञानपीठ से आई और एक पूरी टीम ज्ञानपीठ चली गई सेक्युलरिस्ट लेखकों की, कि ये कैसे छपी है, ये किताब कैसे छापी गई है, कि उसका नाम है दर्दपुर, और उसको उन्होंने वहाँ से बंद करवा के ही दम लिया। दो संस्करण वहाँ से छप गए थे उस किताब के, लेकिन सच तो कभी दबता नहीं है, वो दूसरी जगह से छप कर आ गई, और ऐसे छप ऐसे चल रही है कि जैसे सच को चलना चाहिए। फिर भी अभी ये जो बीजेपी गवर्नमेंट आई है, आज इन्होंने दिखाया 6 साल के बाद कि ये भारतीय गवर्नमेंट है, ये भारत के लिए देख रही है, ये भारत के लिए सोच रही है, और इसमें ये बीज भी इनमें मुझे दिख रहा है कहीं कि ये उस सब को करेक्ट करने वाले हैं जहाँ जहाँ से वो अन्याय हुए यहाँ के लोगों पर। अब हम लोग आ गए, ऐसा माहौल था, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन का दबाव था, ऐसा सेकुलरिज्म का दबाव था, ऐसा प्रशासन का दबाव था कि कोई हिंदू हिम्मत ही नहीं कर पाया हमारे साथ अपना सहयोग सॉलिडेरिटी दिखाने का के लिए। इस तरह का एक माहौल, एक मनोवैज्ञानिक माहौल बनता है ना, तो वो जो माहौल था उसने हमें और मारा, यानी कि देश के शासन ने मारा, राज्य ने मारा, फिर देश के लोगों ने भी हमें उपेक्षा की। हमारे ऊपर जो है बहुत ज़्यादा परतों में हमारे ऊपर दुख पड़ा, पूरा जो जिनोसाइड का जो सबसे क्लासिक मिसाल है इस संसार में वो कश्मीरी पंडित की है। वहाँ से वहाँ जितने को मारा, वहाँ से जब आए यहाँ तो फिर लाखों में मर गए, सांपों ने काटा। आपको क्या बताएं, यहाँ पर मुठी में मेन रोड पे कैंप थे, और प्रशासन को लगा कि यहाँ मेन रोड पे ये लोग हैं जगती में। जगती कहाँ है, पहाड़ के ना जहाँ बहुत ही पीछे, जैसे फेंका जाता है मरने के लिए लोगों को। तो ये कितनी बातें आपको बताएं हमारे हम, लेकिन हमने लिखा, हमने काम किया, हमने, मैं तो ये दावे से बोलूँगी, डॉक्टर साहब पता नहीं मेरे साथ हैं इसमें इत्तेफाक करेंगे या नहीं,
जो इस्लामिक जिहाद के साथ लड़ने के लिए आपको टर्मिनोलॉजी चाहिए वो इन्होंने क्रिएट की, पानून कश्मीर ने क्रिएट की. वो पूरे भारत में हमने पूरे हमारे हम पर दबाव के होते हुए भी हमने पहुंचा दी. वो टर्मिनोलॉजी अब आज काम में आ रही है. आज खुलम खुला बोलते हैं जिहाद. मुझे एक बार, मैं आपको एक मिसाल देना चाहती हूँ. एक एनजीओ के साथ मैं आसाम चली गई राइटर्स की, तो वहाँ मैंने वो उसमें मेनली नक्सली थे. तो मैंने कहा कि अब नक्सलियों की नक्सल का मतलब आप यहाँ पर अपना वो रोना रो रहे हैं, तो मैं तो बोलूँगी कि मेरे कश्मीर के पर बात करो. तो मैंने वहाँ डोमिनेट करना चाहा कश्मीर की परेशानी. मैं स्त्रियाँ थी वहाँ, मैंने कहा स्त्रियों कश्मीरी पंडित स्त्रियों की बातें क्यों नहीं करते हो. तो आपको आश्चर्य होगा कि वो रोका गया, सस्पेंड किया गया सारा काम उसका सेशन. और मुझे एक बहुत जानी मानी लेखिका है और उसमें मैंने क्या लफ्ज़ यूज़ किया, मैंने कहा इस्लामिक टेररिज्म. इस बात के लिए वो सेशन सस्पेंड किया गया. और सस्पेंड करने के बाद मृदुला गर्ग उसका नाम है, वो बड़ी नामचीन हिंदी की लेखिका है, वो मुझे आई बोलने मेरे होटल के कमरे में. आधे घंटे का रेस्ट लिया था. उसने कहा ये किसको नहीं मालूम कि ये टेररिज्म इस्लामिक ही है, मगर तुझे क्या पड़ी है, मत ना बोल. क्यों बोल रही है तू? ये वाज दिस वाज द एटीट्यूड. यहाँ से हमें सुराग मिले, यहाँ से हमें वो बातें मिली, यहाँ से हमें उन सांपों के फन दिखते हिलते हुए दिखे कि अच्छा मुझे बोला जा रहा है कि तुम इस बात को मत बोलो, क्योंकि इस्लामिक टेररिज्म से परहेज है, हमें ये सच नहीं बोलना है. तो इसका मतलब है यही सच बोलना है. तो इस तरह की का माहौल था लेखकों में. और अब तो माहौल बदल गया. और इस माहौल को बदलने में मैडम मैं आपको दावे से कहती हूँ कश्मीरी पंडित का बहुत 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 योगदान है. और 370 हटना हमारी तपस्या का फल है, नंबर एक. नंबर दो, इसको हटाना बीजेपी को के लिए बहुत बहुत अनिवार्य था, बहुत बहुत अनिवार्य था. अगर इनको देश बचाना था, नहीं तो कोई अंतर नहीं था पहले के उल्टे भारत विरोधी राज्य में और इनमें. अब इन्होंने प्रूव करना शुरू किया कि भारतीय राज्य है, भारतीय शासन है. व्हाट इज़ द वे टू गो फॉरवर्ड? अभी एब्रोगेशन हुआ है, इट्स बीन रिवोक्ड. व्हाट आर द नेक्स्ट स्टेप्स दैट दोनों गवर्नमेंट कैन डू एंड सिटीजन्स कैन डू, पर्टिकुलरली यूथ, इन टर्म्स ऑफ ये आर्ट्स प्रिजर्व करना, करेक्ट नैरेटिव, सबको इन्फॉर्म करना, क्या क्या होना चाहिए? व्हाट स्टेप्स नीड टू बी टेकन? बहुत ज़रूरी सवाल है, लेकिन इसकी कई तहें हैं इस सवाल की भी. एक ही सवाल में कई सवाल हैं. एक तो है कि सरकार क्या कर सकती है, क्या करना चाहिए. दूसरा है कि यूथ क्या कर सकता है. तीसरा है कि यह आर्ट हेरिटेज को प्रिजर्व कैसे करें. और प्रिजर्वेशन में भी फिर सरकार भी आएगी, सिटीजन्स भी आएंगे, हम आप सब आएंगे. तो इसलिए इसको एक सिंप्लीफाइड और जेनरिक जवाब नहीं हो सकता है इसका. पहली बात ये देखनी है कि जैसे दो जर्मनियों में एक ज़माने में एक दीवार होती थी, उसका नाम था बर्लिन वॉल. यहाँ जम्मू कश्मीर लद्दाख और शेष भारत रेस्ट ऑफ इंडिया के बीच भी एक दीवार थी जिसका नाम 370 था. बर्लिन वॉल की तरह वो 370 वाली दीवार ढह गई है. दूसरी बात यह है कि रीऑर्गेनाइजेशन हो गया है जम्मू कश्मीर का. लद्दाख अलग यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश बना, जो बहुत ही स्वागत योग्य है. आपको मैं बताऊं कि लद्दाख बच गया, फिर जम्मू और कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी है. ये तो प्रकट दिखता है ना सामने सामने. इस घटना के बाद से क्या हुआ, सबसे बड़ा चीज जो, एक तो बाधाएं हट गई जो शेष भारत और जम्मू कश्मीर लद्दाख राज्य में थी. सबसे बड़ी बात है कि एक सेक्युलर इंडिया में
एक सेमी पाकिस्तान जम्मू कश्मीर राज्य था, जम्मू कश्मीर राज्य जो मुस्लिम बहुल नहीं कहना चाहिए, मुस्लिम राज्य था, जो अब धीरे धीरे इस्लामिक राज्य में बदल रहा था। यानी आप एक और तो अपने देश को सेक्युलर कह रहे हो, सेक्युलर होने का मतलब सब धर्म समान है, लेकिन यहाँ एक धर्म विशेष है, और आप एक कंट्राडिक्शन लिव कर रहे हो और कंट्राडिक्शन को पोषित कर रहे हो, पाल रहे हो, एनकरेज कर रहे हो, तो वो डिमोलिश हुआ है। जो मुस्लिम स्टेट इस्लामिक, लगभग जैसे मैं कहता हूँ कि जो सब नेशनलिज्म के बेसिस पे एक इस्लामिक राज्य था, वो डिसमेंटल हुआ है और फिर इंटीग्रेशन हुई है। और ये हर्ष का विषय है पैन इंडियन दृष्टि से कि देश पूरी तरह से इंटीग्रेट हुआ है। अब ये है कि अब सरकार को क्या क्या करना चाहिए, जो बाकी काम है, और यहाँ की जनता को क्या करना चाहिए। एक तो ये है कि सरकार के पास हमारी समझ से, उनकी अपनी समझ तो होगी ही होगी, उनके एडवाइजर्स हैं, नीतियाँ होती हैं, लेकिन हम चाहते हैं, हम आशा करते हैं कि इन पे वो ध्यान देंगे। वो क्या है कि अभी लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल बैरियर्स ही खत्म हो गए हैं। एक फिजिकल जो एडिफिस था वो टूट गया है, लेकिन जो अंदर सबवर्टेड सबवर्शन था वो अभी इंटैक्ट है। यानी वहाँ की ब्यूरोक्रेसी, और ब्यूरोक्रेसी में जो प्लेसमेंट्स थी, जो सबवर्सिव एलिमेंट्स थे, आम दर्शकों को समझाने के लिए इस तरह कह सकते हैं, 5 अगस्त को आपने ये सब कर दिया, धारा 370 हटी, रिऑर्गेनाइजेशन किया, संचार के माध्यम, इंटरनेट सर्विसेज बंद हैं, सोशल सब कुछ बंद है ना, और सैटेलाइट फोन से आप संपर्क करते हैं, आप मीडिया से हैं, आप जानती होंगी, 4 दिन या 5 दिन तक, जबकि पूर्व 3-3 मुख्यमंत्री जो नज़रबंद हैं वो आपस में फ़ोन नहीं कर सकते हैं, लेकिन सैयद अली शाह गिलानी जो हुर्रियत के बहुत बड़े नेता हैं, 4 दिन 5 दिन उनका फ़ोन सर्विस चालू थी, बात कर रहे थे, सब कुछ इंटरनेट था। ये कैसे हुआ? ये क्या हमारे प्रधानमंत्री ने रखी थी सुविधा? ये गृहमंत्री ने रखी थी? अजय दौल ने रखी थी? किसने रखी थी? ये क्या सत्यपाल मलिक ने रखी थी? ये आपको समझना चाहिए कि जम्मू कश्मीर की जो ब्यूरोक्रेसी है, नौकरशाही है, उसमें घुसपैठ कितनी है। जो लोग इसको हैंडल करते हैं, ठीक है, 2-3 लोगों को अरेस्ट किया गया BSNL के जो जिन्होंने किया है, आपकी दृष्टि वहां नहीं थी, आप सस्पेंड भी किए, आप ये भी नहीं सोच सकते हैं कि कहां से। ये तो एक मिसाल है ये कि जब सारा ठप है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, और जिनके भाई से ठप है उनकी सुविधाएं जारी हैं, तो ये एक मिसाल है। इस तरह कितनी मिसालें होंगी अंदर, कितना ब्यूरोक्रेसी में आपका सबवर्शन होगा, कितने एलिमेंट्स होंगे, और आपकी जुडिशरी हो, आपका जो जैसे लेजिस्लेचर कहते हैं, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, मीडिया और सब गए, ये अभी एड्रेस करना बाकी है। कितना है बाकी, ये तो सरकार को करना है। दूसरी बात ये कि जो इन 70 सालों में जम्मू कश्मीर में जो पॉलिटिक्स खेली जाती रही 370 के नाम पर, और लीगली कहूँ तो 370 आप बोलते हैं ना, ये तो लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म थी ना, और इसका एक फॉल्स टर्म एक और दी गई थी जो एक स्यूडो टर्म थी, और वो इतनी मिसलीडिंग, हुडविंकिंग करने वाली टर्म थी, उसका नाम था कश्मीरियत, सेक्युलर। हमारी विशेष संस्कृति है जी, हम विशिष्ट लोग हैं, हमारे यहाँ भाईचारा है। ये भी 370 ही, इसके पीछे भी वही मुस्लिम हेजमनी, मुस्लिम कम्युनल हेजमनी ही वर्क करती थी, लेकिन चालाकी से नाम रखा था कश्मीरियत। अब अगर कश्मीरियत ही है तो इसमें लद्दाखियत क्यों नहीं थी? लद्दाख इंटीग्रल पार्ट ऑफ जम्मू कश्मीर स्टेट था ना, इसमें जम्मू की डोगरियत नहीं थी, लेकिन कश्मीरियत थी। जब आप कन्फ्रंट करते हो, कहते नहीं कश्मीरियत मतलब ही है डोगरियत,
कश्मीर का मतलब ही है लद्दाखियत, इसमें वो भी आता है। और भोले भाले हिंदुस्तानियों को ठगाया जाता था, उनको इस बात में गुमराह किया जाता था। ये जो जहाँ से ये टर्म्स आती हैं, जहाँ से ये कंस्ट्रक्ट आया, वो चीज़ें एड्रेस करनी पड़ेंगी आपको। आपको एड्रेस करना पड़ेगा जम्मू कश्मीर के माइंड स्पेस पे जो कब्जा है, इसी तरह सारे हिंदुस्तान के माइंड स्पेस पर कब्जा है हमारे दुश्मन का। फॉल्स नैरेटिव्स दिए गए, फॉल्स नैरेटिव्स हमारे माइंड स्पेस पे, जैसे माफिया होता है ना, लैंड माफिया होता है, वैसे ही ये माफिया है जिसने फॉल्स नैरेटिव्स आपके दिमाग में ठोसे हुए हैं। कश्मीरियत है जी, वहाँ तो भाईचारा है, कौन सा भाईचारा था, 370 हमारी विशेष संस्कृति है, कौन सी संस्कृति, क्या हम उस कश्मीरियत सो कॉल्ड उस कश्मीर के हिस्सा नहीं थे, हम उस संस्कृति का हिस्सा नहीं थे? अगर हम थे, आप मानते हैं, तो आपका 370 या कश्मीरियत हमको क्यों नहीं बचा सकी? इट वॉज अ फॉल्स। सो हमारा एग्जोडस आई ओपनर होना चाहिए था इस, लेकिन माइंड स्पेस ऑक्यूपाइड है, हिम्मत नहीं है। तो एक बात तो उस माइंड स्पेस को एड्रेस करना है, एडमिनिस्ट्रेटिवली आपने देखना है कहाँ कहाँ, ये तो गवर्नमेंट करती रहेगी क्या करना होगा। फिर उनको बताया गया कि विकास नहीं था उसके, वो विकास वगैरह वो तो चलता रहेगा। आपने यूथ की बात की, यूथ का रोल क्या है, और आपको असल में कहना चाहिए कि सभी सिटीजन्स का रोल क्या है इसमें। खाली यूथ नहीं करेगा बेचारा, यूथ को करना ही करना है। यूथ को पहले रोजगार की चिंता है या उसको कल्चर बचाने की, उसको कल्चर के बारे में क्या पता है? तो यानी एक आपको एड्रेस करना है कि हेरिटेज क्या है, विच कश्मीर वी वेर गोइंग टू सेव और लूज, वो कश्मीर क्या है। एक उसके आर्ट, जिसकी तरफ मैंने पहले इशारा किया, वो आर्ट, वो कल्चर, वो ट्रेडिशंस, वो रिचुअल्स, वो हिस्टोरिकल, वो अचीवमेंट्स, वो वर्ल्ड पीस के जितने भी आपके पास माइलस्टोन है कश्मीर में, उनको एड्रेस करना पड़ेगा ताकि उसको परकलेट डाउन किया जाए। नॉट ओनली कि कश्मीरी यूथ को, जम्मू के यूथ को भी, लद्दाख के यूथ को भी, रेस्ट ऑफ इंडिया के यूथ को भी। तो वो जब आपने एड्रेस करना है, एजुकेट करना है, तो तब जा करके आप बचा सकते हैं। जब आपको पता ही नहीं मुझे बचाना क्या है, तो वो क्या बचाएगा? एक दूसरी बात ये है कि मैं एक भारतीय के नाते कहूँ, जो एक देशभक्त भारतीय नागरिक है, उसके नाते कहूँ तो ये 100% विक्ट्री है इंटीग्रेट करना जम्मू कश्मीर को। मैं पार्टियों की दृष्टि से बात नहीं करूँगा, एक नागरिक की दृष्टि से कहता हूँ। पार्टियों में बीजेपी के लिए भी 100,000% विक्ट्री है, वो कर ही रहे थे, 370 हटा दिया। लेकिन मैं एक आम भारतीय की दृष्टि से कहता हूँ, ये 100% विक्ट्री है, नेशनल विक्ट्री है। लेकिन उस 100% में मैं भी हूँ, हम सब हैं, लेकिन हम डिस्प्लेस कश्मीरी हिंदूज हैं, हम डिस्प्लेस कश्मीरी पंडित्स हैं। और फ्रॉम डिस्प्लेस कश्मीरी पंडित्स की दृष्टि से, पॉइंट ऑफ व्यू से, ये 50% विक्ट्री है। एज भारतीय नागरिक 100%, एज कश्मीरी डिस्प्लेस कश्मीरी पंडित 50%। जब मैं 50% करता हूँ, तो 50% आगे काम अभी बाकी है। इतना ज़रूर हुआ है कि इस सब के होने से एक दरवाज़ा खुला है, बाधाएं दूर हो गई, दरवाज़ा खुला है। और मैं यहाँ जम्मू से एक कश्मीरी पंडित विस्थापित, चाहे कवि कहिए, नागरिक कहिए, या दिल्ली से, या जो 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 जहाँ है वहाँ से, उनको खुले दरवाजे से अपना कश्मीर दिखाई देने लगा है, जिसे हम पनून कश्मीर कहते हैं। पनून होता है अपना, इसको खाली पॉलिटिकल और ऑर्गेनाइजेशनल दृष्टि से मत देखिए आप, हमको अपना कश्मीर दिखने लगा है, हमको अपना होमलैंड दिखने लगा है, हमको अपनी हिंदी में कहते हैं बसाहट दिखने लगी है, जहाँ बसाया जाएगा हमको, और हमको सारा दिख रहा है। अब जो उस जो दृश्य है, और जो दृष्टा है, जो देख रहा है, जो दिख रहा है, उसके बीच जो डिस्टेंस है, अब साइकोलॉजिकली देखिए, नाउ इट्स नॉट इन टर्म्स ऑफ किलोमीटर्स, ये उस दृष्टि से नहीं है, इट्स नाउ इन टर्म्स ऑफ टाइम। सो टाइम हैज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू माइलेज, माइलेज किलोमीटर्स, हमारा समय बदल गया है उसमें, समय और दूरी, दूरी समय है, समय दूरी है, ये नया फिनोमेना है। अब समय जो है ना, समय की दूरी है, अब समय कितना टाइम लेता है, समय अपने लिए कितना टाइम लेगा, समय कितना सुविधा करेगा, वो हमको दिख रहा है। इसलिए हम उम्मीद की कगार पर आ गए हैं, बहुत नज़दीक हम थ्रेशोल्ड ऑफ न्यू एरा। और मैं देख रहा हूँ
और कि अपना गांव दिख रहा है मुझे, अपनी ज़मीन दिख रही है मुझे, अपने कल्पना में सोची हुई सादी हुई भूमि दिख रही है मुझे, मातृभूमि दिख रही है मुझे, पहले नहीं थी, ब्लाइंड वॉल, देयर वाज अ ब्लाइंड वॉल. और थैंक्स एंड आवर ग्रेटिट्यूड टू द गवर्नमेंट, टू द प्राइम मिनिस्टर, द होम मिनिस्टर, टू ऑल दोज हु आर कंसर्न, जिस जिन्होंने ये संभव किया, उन सबको हम हार्दिक बधाई देते हैं, इसमें कोई विदाउट मिंसिंग वर्ड्स. और ये उन सब के मुंह पर करारा तमाचा है, जो जिस खामोशी की मैंने बात की, जिस पक्षपात की मैंने बात की, जो लोग हम ही को कहते थे, आप ही विक्टिम्स को ही वो परपेट्रेटर्स बना रहे थे, हम में एक ऐसी ग्लानी बोध पैदा किया जाना की कोशिशें थी, जैसे हम ही ने वो किया, हम ही ने ज़मीनें खाई थी, हम ही ने नौकरियां की थी, हम एक्सप्लॉइटर थे, हम सूदखोर थे, हम क्या, इसलिए बेचारों ने गन उठाया, आपको निकाला. इतना आपने एक फॉल्स नैरेटिव, नैरेटिव वैरेटिव सारे टूट गए हैं, गिर गए हैं. और नाउ मुझे लगता है कि एक हिंदुस्तान ने एक करवट बदली है, और हिंदुस्तान का इस दृष्टि से, जम्मू कश्मीर में के इंटीग्रेशन की दृष्टि, ये उसका पुनर्जन्म है, पॉलिटिकल रिबर्थ. इंडिया इज रिबॉर्न, एक नए सिर से हिंदुस्तान पैदा हुआ है. जो करेक्शन 47 में होनी चाहिए वो अब हुई हैं, तो ये पुनर्जन्म है भारत का. इसलिए पुनर्जन्म है तो सेलिब्रेशन है, लाइफ है तो सेलिब्रेशन है, तो नेशनल सेलिब्रेशन है. कोई कुछ भी कहे, कहता रहे, उसकी परवाह नहीं करनी है, और हम खुश हैं. इफ यू वांट टू गिव अ मैसेज टू प्राइम मिनिस्टर मोदी और सेंट्रल गवर्नमेंट को, इन 5 लाइन्स 6 लाइन्स, आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं मोदी जी को बहुत 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 बधाई देना चाहूँगी, और मैं उनको ये भी बोलना चाहूँगी कि उन्होंने जो किया था, जिस पर हम थोड़ा सा हंसे भी थे कि मोदी है तो मुमकिन है, तो सचमुच मुमकिन है. अब चूँकि मुमकिन है, मुमकिन करके दिखाया उन्होंने, असंभव को संभव करके दिखाया. उन्होंने जिस दिन ये नारा दिया था, उन्होंने जिस दिन ये जुमला बोला था, ये जुमला नहीं, जुमलों का मैं पॉजिटिव, ये वाक्य है, वो वाक्य है जो सिद्ध हुआ. और ये सिद्ध वाक्य जिस दिन उन्होंने किया था, कहा था, तब मैंने एक कुछ लाइनर का फेसबुक में लिखा था, वो ट्वीट भी किया था कि ठीक है, फिर ऐसा कीजिए, 370 हटाइए, 35A हटाइए, और हमें हमारी इच्छा के अनुरूप पूरे ताम जाम से, सुरक्षा से वापस हमें अपने होमलैंड में ले जाइए. होमलैंड मीन्स पन कश्मीर, हमारा अपना कश्मीर. तो मैं तो यही बोलूँगी कि अब तो मुमकिन होने के, मुमकिन हो गई, मूल बात हो, मूल जो ज़मीन है हमें मिल गई, अब तो सब कुछ मुमकिन है. और अब बाकी जो कुछ मुमकिन करने के लिए उन्हें हमारा सहयोग जितना चाहिए, हम पूरा करने को तैयार है. वी आर रेडी टू डू एनीथिंग, वी आर रेडी टू कंट्रीब्यूट इन एनी वे टू अचीव नाउ द पेंडिंग गोल्स विच इंक्लूड्स आवर होमलैंड. क्योंकि हमारा वहाँ वापस जाना मीन्स तब भारत का मुकुट सज गया जी. अभी तो मुकुट हमें मिला, लेकिन अभी उसे सजाना है, उसकी उसको लगाना है, तो तब वो लगेगा. तो ये मैं संदेश देना चाहती हूँ मोदी जी को. और मैं यही कहूँगी कि हम भारतवासियों को भी, जितने ये झूठे नैरेटिव है, इनको तोड़ने में जो भी बौद्धिक श्रम, बौद्धिक यानी इंटेलेक्चुअल मेहनत, जो भी शारीरिक श्रम, जो भी मानसिक श्रम, जितना भी नैतिक साहस, वो जुटाएं और इसको तोड़ें और सच्चे वर्षन सामने लाए. क्योंकि हमें हजार साल की गंदगी को हटाना है इस पूरे देश से, तो भारत तभी आएगा. तो भारत है तो हम है. अभिनव गुप्त की बात से मैं अपनी बात पूरा करना चाहूँगी. पूरी दुनिया की सबसे, जिसे बुक ऑफ द मैन ऑफ द मिलेनियम अभिनव गुप्त को कहा गया, तो तंत्रा लोग जो है, जो विश्व प्रसिद्ध शैव दर्शन की पुस्तक है, उसमें वो अंतिम चैप्टर में, जिसको 29वां हनीक कहते हैं,
उसमें वो बोलते हैं कि असल में जो धरती थी वो सिर्फ इतनी थी जितना भारत, यानी अखंड भारत। अब उसमें देखिए अफगानिस्तान भी आता है, सब कुछ आता है, नेपाल आता है, पाकिस्तान तो आता ही आता है, तो इस तरह के जब बल्कि चीन वीन भी आता है, तो ये अखंड भारत था, इतनी धरती थी। लेकिन चूंकि ये तो साइंस भी बोलती है कि ये जो है विश्व जो है एक्सपेंड होता है, तो फिर शिव की इच्छा से जब ये एक्सपेंड होता गया तब इसमें और जो है भूमि भाग जो, तभी यही कारण है उनकी हिस्ट्री नहीं है, हमारी हिस्ट्री है। इतनी किसी की हिस्ट्री नहीं, किसी भूखंड की हिस्ट्री नहीं है इस धरती पर जितनी कि भारत की है। इसलिए भारत इस प्लेनेट का मूल भी है। तो ये हम इतना ही काम नहीं कि हम हिंदू है और हम ये भारत है, हम इस पूरे ब्रह्मांड के मूल खंड को, मूल को, बीज को बचा रहे हैं और बचाना ही है, ये हमारा धर्म है। और ये धर्म इसमें जो ये बहुत बड़ा कदम मोदी जी ने उठाया है, मैं उनको नमन 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 करती हूँ। और मैं ये मानती हूँ कि वो कोई मामूली व्यक्ति नहीं है, किसी ईश्वरी शक्ति का नाम भी मोदी जी है, और उनका जो दूसरा पक्ष है वो अमित शाह है। तो दे कैन डू एनी वंडर दे विश, इस पूरे धरती को शत्रुओं से मुक्त कर सकते, शत्रुओं से मुक्त, मनुष्यों से नहीं, शत्रुओं से। And that was beautifully put. And that concludes our episode of New India Junction. This is Priyanka Deo, signing off.